Hello and welcome to Rewind Talks. It's been quite a lot of times in our last conversation with an esteemed artist, but to compensate for the lost time, we are here with a living legend, Suresh Yadav ji, who is in his own right the greatest of musicians. He is a composer, he is an arranger, and one of the finest artists that our industry has ever produced. He has a career spanning of more than 50 years today, and I consider myself extremely fortunate that I could get him today on our sets to for a very candid conversation. And as I fondly call him Kaka, Kaka, thank you so much for coming here on Rewind Talks. सुरेश काका, मुझे आप पहली बात ये बताइए कि आप म्यूज़िक में कैसे आए? आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया कि आपका मन था इसलिए आप म्यूज़िक में आए? क्योंकि आप जैसे आर्टिस्ट, दे आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड, बताइए। एक्चुअल सर्वप्रथम आप सबको मेरा प्रणाम। फैमिली में म्यूजिक में फील्ड में कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे को शौक बहुत था कि मैं स्कूल में पढ़ता था, फोर्थ स्टैंडर्ड में। तब एक गायन टीचर आते थे, मिस्टर भगवान दास करके, ही वॉज ब्लाइंड। उस टाइम पे हम लोग भी म्यूजिक गाना सीखने जाते थे, उधर सीखते थे, लेकिन मेरे गाना सीखने से ज़्यादा वो हारमोनियम बजाते उसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा। कैसे बजा रहे, क्या बजा रहे, तो मैं उसके ऊपर ध्यान देता था। इसने ये फिंगर से बजा, ऐसा बजा। तो हमारे घर पे एक पुराना हारमोनियम पड़ा था, वो मैं निकालता था और जैसा उसने बोला वैसा भी प्रैक्टिस करना शौक। फोर्थ स्टैंडर्ड में करता था, ऐसा करते 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 2 साल ऐसे चले गए। फिर कभी वो टीचर नहीं आते थे तो मैं हारमोनियम बजा के सबके साथ रिहर्सल करता था। तो ऐसा मेरा शुरू हो गया। उसके बाद घर पे प्रैक्टिस करता, तो हमारे बैंड पतक था, उसमें ग्लॉक्स बोलते, उनके हिसाब से पट्टी तरंग बोलते हैं। तो मैं बजाना शुरू किया हारमोनियम जैसा, टूट ऐसा हंसी से, तो मैं बैंड में बजाने को शुरू किया। ग्लॉक्स ग्लॉक्स उसको उनके हिसाब से, बैंड के हिसाब से पट्टी तरंग बोलते हैं, ऐसा स्टील का पट्टी रहता है ना, उसके ऊपर स्टिक से बजाने का। तो वो मैं बजाता, लेकिन उस बैंड में एक सैक्सोफोन प्लेयर सैक्सोफोन बजाता था, मेरे को उसका इंटरेस्ट बहुत लगा। तो मैं देखते रहता था कैसा बजा रहा है, मेरे को तब तक मैं सारे गमा तो स्टिक ले आता, तो इसको सा बजा रहे इधर, इसको वो रे बजा रहे। आपने वो सैक्सोफोन पे सीख लिया था? नहीं, हारमोनियम पे बजाता था तब से, तो सारेगा मेरे को पता था, बेसिक इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक। तो मैं सीखता था, तो मेरे लिए ये इंस्ट्रूमेंट, उसने हम लोग सा बोला, ये कौन सा नोट से बजा रहा है, तो इसको सा पकड़ रहा है वो, अच्छा ऐसा मैं देखते रहता था। और ये करते करते कभी वो बाहर गया चाय पीने, पान खाने, तो चुपचाप उठा के मैं ब्लो करना शुरू करता, आने के पहले रख देता था, कि अगर उसका माउथ पीस का रीड अगर स्पॉइल हो गया तो मेरे को मार पड़ती थी, बहुत एक्सपेंसिव था। ऐसा करते 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 फिर वो सुबह कोई रहता नहीं था, तो मैं आस्ते से इंस्ट्रूमेंट निकालता था और बजाना शुरू करता, सारे गमा ये वो सब, ऐसा सैक्सोफोन पे आ गया। तो वो मेरे को बजाना आने लगा इंस्ट्रूमेंट, मुझे सारे गमा भी पता चला, नोटेशन कौन से गाने में कैसा पकड़ता है वो भी आस्ते आस्ते मैं सीख लिया। लेकिन फिर वो म्यूजिशियन को पता नहीं चला कि आप उनका सैक्सोफोन देख के बजा बाद रहे में थे। जब बजाना शुरू हो गया तो वही बोला, तुम बजाओ यार, अच्छा लगता है। लेकिन ये ब्लोइंग का टेक्निक फिर आपको कैसे समझा? देखिए, देख देख के सीखा, आस्ते से बजाना शुरू हो गया। बोलो इससे कंप्लीट नहीं होगा। तो बोले ब्लोइंग मतलब आपको जो ये पहला जो है ना, ये सेट होना चाहिए बजाने के पहले। फिर मैं डेली वैसे अपने आप से बोले ये सुर में क्यों नहीं बजता है, तो अपने को एक ही इंस्ट्रूमेंट पकड़ के, एक ही सुर पकड़ के पहले तो सेट हो जाएगा। तब से मैं एक ही नोट ता एक सा या रे दो दो घंटा प्रैक्टिस करता था, एक नोट खाली, 2 घंटा प्रैक्टिस खाली नोट, वन नोट, और ये ब्लोइंग का मेरा पेस सेट हो गया मेरा। फिर आप ब्रेथ कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? बिकॉज अभी भी हम लोग जब देखते हैं तो यू हैव एट दिस एज ट्रिमेंडस ब्रेथ कंट्रोल एंड पंच एंड पावर एंड व्हाट एवर। ये पहले का प्रैक्टिस जो क्या, वो अभी काम में आता है। क्योंकि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसका पहला ब्लोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिंगरिंग तो बाद में आता है वो। yes.
फिर हर इंस्ट्रूमेंट का जो एक ब्लो होता है, लो नोट बजाया, सेम की पे आपको हाई नोट बजाया तो आप पिच कैसा करना है उसको। लेकिन फिर आपने ये सैक्सोफोन बेसिक वहाँ पे देख लिया, उसके बाद में किसी गुरु के पास आप जाके नहीं, मेरा गुरु कोई भी नहीं, आपने सीखा ही नहीं, नहीं किसके पास भी नहीं सीखा। फिर मैं स्टेज पे प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, फिर हम लोग गणपति के प्रोग्राम करते थे जी। तो 5 रुपये मिलता था एक प्रोग्राम का, फिर 7 रुपये, फिर विच ईयर वॉज दिस? ये आई थिंक 67, 66। फिर मैंने 62 को मेरा खुद का ऑर्केस्ट्रा शुरू किया, जॉली म्यूजिक सर्कल। फिर अपने वो हिसाब से मैं अपना प्रोग्राम शुरू किया। आप कहाँ पे रहते थे मुंबई में? मैं लोअर परेल में रहता था, मैं बहुत पुअर फैमिली से, पुअर फैमिली से आया हूँ मैं। और बाद में करते 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 फिर आगे चल के क्या हो गया कि मेरे को सब लोग हमारा ऑर्केस्ट्रा देख के बजा के बाहर भी मेरे को बुलाने लगे। फिर मेरे को पहला चांस मिला, महेंद्र कपूर ने बुलाया था, डायरेक्ट महेंद्र कपूर। हाँ, कि वो भाई कौन बजाया सैक्सोफोन, वो बजाता यार बहुत अच्छा, स्टेज पे देखा उस दिन महेंद्र कपूर के साथ। फिर महेंद्र कपूर ले पे, फिर मेरे को गीता दत्त ने बुलाया था। अरे वाह। फिर गीता दत्त के साथ प्रोग्राम, ऐसा करते करते मेरा शुरू हो गया वो, ये स्टेज प्रोग्राम इधर का खत्म हो, ये शुरू हो गया रिकॉर्डिंग ने आया, रिकॉर्डिंग अभी तक स्टेज प्रोग्राम। फिर हम लोग, मैं मुकेश जी के साथ प्रोग्राम बजाता था, तो उधर कोंगा बजाने के लिए बबला था, बाबला कलांजी भाई का छोटा भाई, तो उसने अपना खुद का ऑर्केस्ट्रा निकाला बबला इन पार्टी। तब मेरे को और अरुण पौडवाल को उसने लिया था, अरुण पौडवाल बैंक में जॉब करता था, देना बैंक में। तो आपने जॉब नहीं किया कभी? टाइम ही नहीं मिला। बाद में ये करता था, तो बाद में क्या, सुबह अपना एक खड़ा करके रिहर्सल में आता था। अच्छा। तो बाबला बोलता था मेरा आज का ये हो गया क्या। फिर हम दोनों को है ना कल्याण जान जी के बैकग्राउंड में 3 बजे होता था, हमको डालते थे वहाँ से, इधर शुरू हो गया। ओके। फिर वो बजाते बजाते मैं आनंद जी भाई का फेवरेट हो गया। क्या बात है, क्या बात ऐसे है? ये हिस्ट्री है मेरी इधर इधर आने का, लेकिन मैं प्रैक्टिस करने का छोड़ा नहीं। तब मैं तो आप कितना घंटे रियाज करते थे? बाद में ये करते करते फॉरेन टूर्स भी होने लगे मेरी, इस मुकेश जी के साथ, फिर किशोर कुमार के साथ लाइव कॉन्सर्ट। फिर तो मैं अमेरिका वगैरह जाता था ना, तो मेरा दूसरा काम कुछ नहीं था, खाली म्यूजिक शॉप पे घूमते रहता था मैं, बुक्स निकालते रखता था उसका, ट्विटर्स कैसे है कौन सा है। फिर आप तभी एक ही इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? उस टाइम में खाली सैक्सोफोन बजाता था। कौन सा? अल्टो सैक्सोफोन। फिर मैंने ऐसा देखा तो किसके पास टेनर सैक्सोफोन पड़ा था, तो मैंने ले लिया। फिर उसका भी ब्लोइंग स्टार्ट किया मैंने। फिर ऐसे ऐसे सोप्रानो ले लिया मैंने, मेरे को बहुत शौक था नया नया इंस्ट्रूमेंट करने का। ऐसा करते 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 मेरा उधर से ट्विटर लाने का या कोई स्टैंड गेज वगैरह इनके रिकॉर्ड लाने का, नहीं तो कैसेट लाने, वो सुनते रहते थे इसने ऐसा कैसा बजाया, ये टोन कैसा उसने निकाला। व्हाट अट्रैक्टेड यू टू द ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? और भी अगर आपने ही कहा कि यू एक्सपेरिमेंटेड विद हारमोनियम एंड देन ग्लॉक्स, व्हाट अट्रैक्टेड यू टू द ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट? हारमोनियम और पियानो में बजाता ही था, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट था ब्लोइंग में, वो सैक्सोफोन प्लेयर को मैं मेरा दिमाग पे घुस गया था, मेरे को ऐसा बजाना है बस। आपको वो साउंड का, यू वेर मोर फैसिनेटेड विद द ब्लोइंग साउंड, बहुत अच्छा लगा इंस्ट्रूमेंट। ये करते 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 एक एक इंस्ट्रूमेंट आते ऐड होते गया, एक्चुअली ऐसे एक एक इंस्ट्रूमेंट मेरा ऐड होते गया। अच्छा। फिर मैं गया था किसके साथ, आई थिंक किशोर कुमार के साथ गया था अमेरिका, तब एक म्यूजिक शॉप में मैंने फ्लूट देखा, इंग्लिश फ्लूट, बोले ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है यार, तो मैंने वो खरीद लिया, बजाना तो आता नहीं था, खरीद लिया घर पे थोड़ा प्रैक्टिस व्यक्टिस किया ऐसा। उस टाइम आठ दस दिन हो गए मैं घर पे प्रैक्टिस कर, तो अमर हल्दी पर मेरा खास दोस्त, साथ में प्रोग्राम करते थे, तो उसको सब मालूम होता था ना मैं क्या फ्लूट लाया, उसको पता था। हम लोगों का सुबह टेक था लक्ष्मीकांत परेलाल का, फेमस तारदेव में। अच्छा। तो हम लोग सब रहे, राजेश रोशन भी उस पर रहता था कोंगा वगैरह कुंभा बजाने के लिए। तो उसको एक पिक्चर मिली थी जूली, और उस पिक्चर में उसका पहला गाना उसने फेम महबूब में रखा था शाम को 4 बजे। अभी उसने अरेंजमेंट तो किया था फ्लूट सोलो वगैरह, उनको कोई फ्लूटिस्ट नहीं मिल रहा था, सब बिजी रहते थे ना उस टाइम पर, इतनी बिजी शेड्यूल था।
तो राजेश जी की फर्स्ट फिल्म थी। हाँ तो अमर को पूछा, और वो कोंगा बजा रहा था ना टेक में, मेरे फ्लूटिस्ट ने, अरे सुरेश को पूछना उसने फ्लूट लाया, तो बोले सुरेश तो फ्लूट लाया, बोला हाँ अरे, अरे अभी शुरू किया मैंने, क्या देखते, अरे मेरा शाम को टेक है 4 बजे, पागल हो गया तो 8 दिन 10 दिन हो गया फ्लूट ने टेक में बजाने को बुला रहा है तो मेरे को, अरे अपना आ जाए यार तू, जबरदस्ती मला मेरे को वहाँ खींच के लेके गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम, वो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने वो सोलो बजाया था, जूली पिक्चर, वो सुपर हिट हो गया, माय हार्ट इज बीटिंग। क्या बात है, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये मेरे को पहले से दिमाग में ऐसा था ना, ये करना चाहिए करना चाहिए करना, और साथ में मैं काम करते रहा लक्ष्मीकांत परेला के, उसके बाद कल्याण जान जी सब लोग हो गए जी। लेकिन जहाँ से मेरा डेवलपमेंट जो हो गया इनके पास से, कि इनके पास क्या था कि जो बजाने वाले थे वो आते नहीं थे, सब जगह बिजी रहते थे, तो उनको कोई आदमी तैयार करने का था, तैयार करने का था, उसने मेरे को जान लिया था। वो अब देखो कैसा कैसा किस्सा होता है, इधर LP के यहाँ मैं बजाने शुरू किया तो ये पता चला कि मैं जूली पी राजू का गाना मैंने बजाया, तो उनको फ्लूटिस बैकग्राउंड में, हम लोग को टेक में सुबह रहते थे 3 बजे से बैकग्राउंड शुरू होता था, वो लाइव पिक्चर का बैकग्राउंड होता था। तो तारे भाई बोलते कि सुरेश आप फ्लूट भी बजा दे, नहीं नहीं अभी अभी शुरू किया, जाना नहीं शाम को बैकग्राउंड में रुकना। बोले तारे भाई मैं बैकग्राउंड में क्या बजाऊंगा, क्या बजाने का है, देखो ये सुनने जैसा है, बैकग्राउंड में क्या बजाने का रहता है, कैसी तैयारी करके लेने दोगे, आपको ए नोट बजाने आता है, हाँ, बी फ्लैट नोट बजाने आता है, हाँ, सी नोट बजाने का है, बस वही बजाने का है। मैं बोला आज क्या होने वाला मेरे को मालूम, जाना नहीं, 2 पीस कंप्लीट हो गए, 3रा पीस कंपोज करके प्यारे भाई, तब लाइव होता था, प्यारे भाई खुद खड़े इधर या इधर पीछे सब वॉयलिन सेक्शन, ब्रास सेक्शन, कोरस सेक्शन, सामने रिदम, 4 माइक में रिकॉर्ड होता था, इधर एक वुडविंड्स का माइक, इधर स्ट्रोक का माइक, गिटार विटार सब आया। तो सूर्य जी को बोला चलो फ्लूट लेके, अरे बैलेंस करना, बोले क्या, सी नोट बजाओ बैलेंस करो, तो सी नोट बजा के बैलेंस किया रे उधर, चलो टेक, जब मैं आपको इशारा करूँगा ए नोट बजाने का, सेकंड इशारा करूँगा बी फ्लैट नोट बजाने का, से मेरे को बोला वही है, थर्ड नोट बोले, थर्ड साइन करेगा सी नोट बजाने का, बोला क्या होने वाला मेरे को मालूम नहीं, क्या सीन और पिक्चर का बैकग्राउंड चल रहा है, और जैसे सीन आया मेरे को ऐसा इशारा किया, मैंने ए नोट बजाया, पीछे वॉयलिन का अरेंजमेंट पहले ने उसके पहले मैंने किया था ना, वो सीन उठ उठ के ऐसा खड़ा हो गया, पर सीन को खड़ा कर दिया, क्या बात है। फिर सुकर दूसरा पार्ट आया, वापस मेरे को साइन किया बी फ्लैट, वो तो अलग अरेंजमेंट उसका ब्रास के साथ, ऐसा तीनों नोट बजाया मैंने ब्रास के, सब लोग बोलते क्या बजाया फ्लूट तुमने, मैंने फ्लूट क्या बजाया, 3 नोट बजाया, तैयारी कैसे करके ली, देखा बैकग्राउंड बजा ना, ये बैकग्राउंड में बजाने का, ये मेरे को ग्रेट मेरे गुरु कोई नहीं है, मेरे गुरु मेरे मानस गुरु पैरेलल शर्मा है, सब निकाल दिया उन्होंने मेरे, सब चीज, क्या बात है। इसलिए मेरा अपने गुरु को पूछा ना, मेरे मानस गुरु पैरेलल शर्मा ही है। वो सबसे आपके फेवरेट है म्यूजिक डायरेक्टर्स में से? म्यूजिक डायरेक्टर सबके साथ मैंने काम किया ना, सब अरेंजमेंट के साथ किया, और श्री रामचंद्र जी के साथ भी, अन्ना के साथ शुरू में किया था, जब उनके गाने में नहीं बजाया मैंने, एंड में साउथ की पिक्चर वगैरह करते थे, तो वो एक अलग अलग कैटेगरी का आदमी था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। एक इसका रिकॉर्डिंग का किस्सा बाद में बताऊंगा, लेकिन उनका ऐसा किस्सा है कि अगर रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग में भाई भी कोई चलता नहीं था, कोई भी हो रॉन्ग किया तो रॉन्ग किया बस खत्म, और रिकॉर्डिंग खत्म करके गाड़ी से अगर जाते थे वो, और कोई म्यूजिशियन बस स्टॉप पे खड़ा है तो गाड़ी रुकाते थे, बैठ किधर जाने का, चल तेरे को उधर छोड़ता, ये अन्ना अंग्लू से अन्ना जी बोलते थे। काका आपने श्री रामचंद्र जी का शो बजाया था भुलाए ना बने, वो आपने कब से बजाना शुरू किया था? अन्ना ने पहला ही शो शुरू किया था भुलाए ना बने 1976 में, उसमें सब सिलेक्ट सॉलिड म्यूजिशियन से इंडस्ट्री के, मतलब पियानो के लिए इनाम डेनियर, अकॉर्डिंग के लिए धीरज था, मैं सैक्सोफोन के लिए था, फिर भजीला और ड्रम के लिए था, ऐसे टॉप इंडस्ट्री के लोग थे उस टाइम पे। लेकिन उनका ऐसा था एक माइक इधर चालू रहता था, वो बंद नहीं होता था, कुछ बोलते थे ना वो माइक पे पब्लिक को भी सुनाई देता था
अरे काय करतोस टेम्पो कुठे वाजवत होता. तो ये शो का अंडा का किस्सा मैं सुना था. पहला गाना था, शो शुरू हो रहा है अभी. पहला ही शो बजिला ड्रम बजा रहा था. कहाँ पे था पहला शो? ये शिवाजी मंदिर में, मुंबई शिवाजी मंदिर. तो शिवाजी मंदिर में पहला शो था. तो पहला गाना गोरे गोरे गाना था. तो उस गोरे गोरे गाने में डैनियल उधर पियानो के पीछे बैठा हुआ 1-2 करता था ना. तो उसने ड्रम सोले करके 1-2-3 किया भजी को. तो उसने घर बजाना, थाम्बा अंडा, मराठी बात करते ऑलवेज. स्टेज पे रुका, पहला ही गाना. तू भजी, तू रिहर्सल आला नव्हतास ना, तू नाही वाजवायचा. अरे आता अण्णा बोलते रुकाय उसका. तू म्हणा चला परत सुरू करा. लाईव्ह शो आहे, परत सुरू करा. परत तो डॅनियल दिया बजा जाऊ देता, काय वाजवता ऐसा अण्णा. बट ही वॉज अ ग्रेट मॅन, ही वॉज अ ग्रेट मॅन. बहुत अच्छे थे इनका उनका अण्णा के तो गाने के शो थे है. लेकिन एक गाना वो हमेशा गाते थे, ये मेरे वतन के लोग, उनका कंपोजिशन है सबको मालूम है. जी वो गाना जब गाते थे ना खुद, एक भी म्यूजिशियन साथ में नहीं बजाता था, ओनली अण्णा हारमोनियम लेते. वो गाना गाते थे, खुद ही रोते थे, पब्लिक को रुलाते थे. ये एक्सप्रेशन था उनके गाने में, वो अण्णा. और उनके देहांत के बाद आपने वो लेगेसी कंटिन्यू की उनके शो की? नहीं, उसके बाद क्या होता था, मैं बजाता था तो मेरे को अण्णा बोले थे एक टाइम पे. मेरे फर्स्ट रिकॉर्ड मेरी रिलीज हो गई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था वो शशांक लालचंद ने. ओके. तारदेव में वो तारदेव मार्केट में उसका स्टूडियो था. ओके. एसएल स्टूडियो. तो मेरा शशांक मेरा खास दोस्त था, एकदम क्लोज क्लोज. तो मेरे फर्स्ट एलपी रिकॉर्ड ईपी पहले मैं 1976 से शुरू किया था. अच्छा. एलपी मेरे 77 में बनी थी. तो मेरे को बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करना. बोले वो क्या होता है मेरे को नहीं मालूम यार. तू तेरे को कुछ मालूम है, तू कुछ नहीं कर, मैं सब कर. प्रेस वालों को सबको बुलाया उधर अण्णा क्या था स्टूडियो में. फिर रिकॉर्ड सुनाया सबको. क्या बात है, वो सब सुन रहे थे. अण्णा आए नहीं थे तब से, उनको मालूम नहीं था अण्णा आने वाले. एक वहाँ से जो प्रेस वाला था वो बोलता है आपने इसके ऊपर लिखा है इंग्लिश फ्लूट बजा करके गाना, कोरे ताल मिले थे. ये तो सुनने के बाद लगता है ये तो इंडियन फ्लूट बजा हुआ है. तो उनको सही करने के लिए मैंने इंग्लिश फ्लूट पे बजा के दिखाया, ऐसा बजा. अच्छा कि वो लोग ग्रेट लोग थे. मैं नया था ना, सब ऐसा मेरे चालू था. इतने में अण्णा की एंट्री होगी. अरे काय सुन, अण्णा की एंट्री होगी, सब लोग खड़े हो गए एकदम. अण्णा अण्णा बैठे थे. अण्णा आप सुरेश के बारे में क्या बोलेंगे? सुरेश मराठी में बोले थे. सुरेश ना हा माणूस नाही, हा भूत आहे. माणसापेक्षा वेगळा जे काम करतो त्याला मी भूत बोलतो, तसा हा भूत आहे. मग त्याने किस्सा सांगितला. सच अ कॉम्प्लिमेंट, क्या बात आहे. त्याने किस्सा सांगितला कसा भूत आहे. म्हटलं आज रेकॉर्डिंग मेचकार बिझी असायचा आणि माझे प्रोग्राम व्हायचे, यायला जमायचं नाही रे अभि इनकी एक शो मी जातो. दो दिन जाते थे, चार चार रेकॉर्डिंग जाते थे मेरे डेली दो रेकॉर्डिंग. तो मैं नहीं आता था. तो मैं उसने बहुत लोगों को ट्राई किया, जो गोम्स को ट्राई किया उससे नहीं जमा, मरुदा को ट्राई किया किसको भी नहीं जमा. बोलता नहीं रे कौन चालना है, सुरेशस पाजी. वो एक बार वेवलेंथ अगर मैच हो गई तो फिर नहीं, वो नहीं आता. मेरे को क्या, मेरा स्टाइल था ना, इसको क्या चाहिए मेरे को मालूम था. वो ऐसा मैं प्ले करता था ऑलवेज. तो आए तो किधर है सुरेश? तो बॉम्बे में रिकॉर्डिंग था मेरा. तो मैं रिकॉर्डिंग बैठा था तो मैसेंजर लेके अण्णा के इंटरव्यू में उठ के खड़ा हो गया. अण्णा ने ये तुला बेटा ला लो अंदर लेके गए. क्या बात, शर्मा जी के अंदर क्या बोले मालूम है? हे पांढरे केस आहेत ना, ह्याची लाश तुझ्या हातात आहे, तू माझ्या शो मध्ये येणार का? मेरे को रोना है, रोना है सच्ची. बाद में मैं अण्णा मेरे को एक पैसा भी नहीं देंगे तो भी मैं आपके शो में भेजा. उसके बाद हर शो मैं जाता था तो अण्णा थे. और वो जाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था मैं जब जाऊंगा तो पियानो मेरे पास रखा है ना वो तू घर पे लेके जाने का. अण्णा जाने के बाद मैं 3-4 महीने के बाद बैंक के पास गया. बैंक की अण्णा की इच्छा थी, क्या करूँ मैं.
जा ना तू आपल्या मुलीकडे जाते ते मुलगी म्हणायचे ना तू घेऊन जा. बोलो मी असं घेऊन नाही जाणार, मी ऐसा नाही लेके जाऊंगा, इसका कितना प्राइस है मेरे को. तैयारी नहीं बोली गई, मैं जो भी है उनको दे दिया, पियानो घर पे लेके आया. फिर लंदन गया था, उसका पूरा स्ट्रिंग सेट वगैरह सब लेके आया, रिपेयर किया. और वो पियानो के ऊपर मेरे दोनों बच्चे पियानो सीखे. क्या बात है. छोटा जो है सीनियर किसी से पियानो सीखा, बोटा बड़ा जो फोर्थ स्टैंडर्ड में तब से सीखा. और दोनों को टीचर रखा था मैंने, वो टीचर रखी थी और दोनों ने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ एग्जाम पास किया. क्यों बोले आठवीं में जाएंगे तब तक उनको म्यूजिक ना आ जाए. बड़े सुशांत ने 8th ग्रेड पास किया ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, संदेश ने 5th ग्रेड पास किया. फिर संदेश को गिटार सीखने का मूड हो गया, फिर वो दिलीप मैक सीखता था, कैस्ट्रो के पास सीखता था, सबके पास गिटार सीखे गिटार. अभी दोनों भी उनके, लेकिन उनको बोला जब तक ग्रेजुएशन होता है ना ये तब तक मैं तुमको किधर भी हिलने नहीं दूंगा. ग्रेजुएशन होने के बाद तुम डिसाइड करो तुमको क्या करने का. तो क्या सीखे दोनों फिर अभी अभी क्या ग्रेजुएशन होने के बाद फिर उनका मूड हो गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाना है. तो सुशांत पहला गया यूएसए, उसने मैथमेटिकल फाइनेंस सब्जेक्ट लेके बोस्टन से एमएस पास किया मैथमेटिकल फाइनेंस. राइट ब्रेन पर्सन एकदम मैथमेटिशियन फाइनेंस सब नया सब्जेक्ट. और अभी इज वन ऑफ द डायरेक्टर है कोई अमेरिकन कंपनी में. और छोटे ने आई डी किया एमएस में बेगनटम से, वो भी उधर ही है. दोनों के अच्छे बंगले विंगले सब अच्छे और दोनों, लेकिन म्यूजिक छूटा नहीं. म्यूजिक छूटा घर पे सुशांत ने तो नीचे बेसमेंट में तो स्टूडियो जैसा बना के रखा, चार पांच कीबोर्ड ये वो अभी भी बजाता रहता, अभी भी शो में बजाता है. म्यूजिक सीखा बचपन से सीखा. उसको एक ही बात बोला था कभी भी शो में जाएंगे एमिचर लगता कामाने जैसा मैं स्कोर सबका स्कोर बनाने का हारमोनी लिखने का और वो देख के वैसा कि वैसा ही बजाने का. तो आप सी रामचंद्र जी का बुलाए ना बने आप जो शो कर रहे थे, तो एक आपने मुझे बताया था कि वो आपकी शादी के रिसेप्शन में भी आए थे, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में. हाँ, उस टाइम मैं सब शो उनके करता था. आपकी कौन सी ईयर में शादी हुई? 1977. आंटी का नाम क्या है? अभी उसका नाम जो है मैंने नाम रखा था अलग, मैंने नाम रखा स्वरूपा स्वरूपा, लेकिन उसका पहले का नाम रंजना है. रंजन तो उसको सब राजू राजू ही बोलते हैं. अभी रंजना नाम से ही पहचानते, स्वरूपा नाम लेते नहीं कोई. तो वैसा था मेरा. और अभी उसके बारे में पूछना है पूछ रहे हो तो मैं एक बात बताऊंगा ज़रूर जी. कि आज भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना बिकॉज ऑफ मेरी वाइफ. क्या बात है. कि मेरा शेड्यूल ऐसा था मैं सुबह 8 बजे घर से छोड़ता था, डेली का रूटीन ना, चार चार महीने का बुकिंग रहता था मेरा. 8 बजे घर छोड़ने का, रात को 12-12:30 बजे आने का, बाप रे, फिर दूसरे दिन 8 बजे जाने का. तो वो कंप्लेंट नहीं करती थी? कंप्लेंट मैं उसको मालूम था ना, काम था मेरे को, अभी आगे आगे जाना है ना. तो वो करते थे मेरे बच्चे लोग कभी पढ़े, कभी कौन से स्कूल में गए, कौन सा कॉलेज में, सब मेरी वाइफ ने किया. और शी इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट बच्चों के, वेरी स्ट्रिक्ट. वो शी इज सो लविंग. नहीं नहीं बच्चों के साथ मेरे, मैं जो उनको पहचानती हूँ लाइक शी इज सो स्वीट एंड शी इज सो लविंग. उसका उसका हनुमान जयंती आपने देखा नहीं है? वो गुस्सा तो करती होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि क्योंकि क्या है देखो बच्चों के लिए भी स्ट्रिक्ट थी. उनको टाइम था खेलने गए ना 6 बजे ऊपर आना चाहिए, घड़ी लगते थे 6:05 हो गया था बड़ा बेल्ट टाप करके, इतना बजे 5 मिनट की, इतनी स्ट्रिक्ट थी वो, इतनी स्ट्रिक्ट. मेरा छोटा बहुत होशियार था, वो क्या करता था 15 मिनट घड़ी पीछे करता था, 1 मिनट वेट 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 कहाँ हिचक कितने बजे इसमें कितना बजा देखो वो ऐसा. तो इतनी स्ट्रिक्ट थी. सो स्कूल का ये बच्चों को तो इतना ध्यान दिया, इसलिए मेरे बच्चे लोग इधर तक गए. मेरे को टाइम भी नहीं था उसका, क्या करें. टाइम मतलब मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर करने का भी मौका आया था, वो भी नहीं कर पाया मैं. तो कभी ऐसा हुआ है कि आंटी ने आपको बोला कि कोई फंक्शन में जाना है और आप हमेशा की तरह रिकॉर्डिंग में बिजी थे और आपने अपॉइंटमेंट मिस करा दी एंड देन वो गुस्सा? नहीं उसको मालूम था ना ये सब काम करने में जा रहा हूँ और काम करना जरूरी है ना, सब सबके साथ रिलेशन बना खास करके अनकंडीशनल सपोर्ट क्योंकि
एलपी का सबसे साथ सबके पे सबके साथ कोई भी नहीं हो प्यारे भाई, जैसा पियानो पे आके बैठ गए ना, सूर्य जी का है कि उनके राइट साइड में बैठ मैं बैठना चाहिए। आप उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे प्यारे जी के? प्यारे जी के असिस्टेंट, मोर ऑफ अ फ्रेंड विद प्यारे जी के असिस्टेंट कोई नहीं, उनका काम वो खुद ही करते थे, अरेंजमेंट ये म्यूजिक बनाना, लेकिन हम लोग ऐसे सपोर्टर थे सॉलिड, मैं गौरव श्यामराव जी, उनको कभी ऐसा लगा ना आप जरा कर लेना थोड़ा तो हमको करना पड़ता, लेकिन असिस्टेंट यू अंडरस्टूड हिम कंप्लीटली 100%। अभी वो मैं इधर बैठा, मैं इधर लेफ्ट साइड में गौरव जी बैठे, श्यामराज जी बैठे, म्यूजिक कंपोज हो रहा है, ये कैसा लग रहा है, तो अच्छा है, अच्छा नहीं और कुछ अच्छा, हाँ तो उनको पता चलता था और कुछ अच्छा बनना चाहिए। एक आधा पीस कंपोज हो गया, समझो टूटी पार्ट कंपोज हो गया जी, टूटी मतलब क्लैरिनेट फ्लूट ऐसा ये सब, इसको टूटी पार्ट बोलते हैं। क्या क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टूटी में? क्लैरिनेट, फ्लूट, ओबो, म्यूटेड ट्रम्पेट, शहनाई, ऐसे पांच छह इंस्ट्रूमेंट होते थे, हारमोनियम का भी रखता था, ये सब एक पीस बजाते थे, एक पीस इतने लोग बजाते थे और उसको बैलेंस किया, इसलिए उसका भर के साउंड आता था, तो पीस कंपोज हो गया। तो कितना क्लैरिनेट बुलाया मेरे को पूछते थे, तो बोले तीन क्लैरिनेट ठीक है, तो मैं देखते रहता था, जाओ आपको जितना बुलाना है उतना बुलाओ। हाँ तो रमान जी मैसेंजर, सूर्य जी क्या बोल रहे थे, बोले इधर छह क्लैरिनेट, छह फ्लूट, क्या बात है, दो ओबो, चार शनाई, दो म्यूटेड ट्रम्पेट, एक पीस बजाने के लिए, क्या बात है। और सबको मैं सुबह से बुलाता था, नॉर्मली चार बजे की शिफ्ट में सबको बुलाते थे, मैं मॉर्निंग में बुलाता सबको, अरे मॉर्निंग, मैं बोलता हूँ प्यारे भाई ने क्या बोला है, सबको सुबह से बुलाओ, सबको सुबह से 9 बजे से 1 बजे तक पेमेंट मिलता था, 1 से 4 बजे तक ओवर टाइम मिलता था, 4 से 8 सेकेंड शिफ्ट का पैसा, 8 से 7 10 ओवर टाइम, और 10 के बाद डबल ओवर टाइम, वो 12:30-12 बजे तक चलता था, जितने लोग आते थे आपके वजह से हमको चांस मिला बजाने के लिए, और सबको सिखाना पड़ता था कि वहाँ बैलेंसिंग के टाइम पे सबको साउंड वही ना, बैलेंसिंग के टाइम पे ना सबको एक एक को बजाना पड़ता था, अलाउड है सॉफ्ट है, तो उसमें गलती हो गया ना, ये बजाता नहीं क्यों बुलाया, तो सबको सिखाना पड़ता था, ये फिंगर से ग्रुप में भी ही कुड पिन पॉइंट, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, नहीं एक एक को सुनते तब मालूम पड़ता है ना, ऐसा भी उनके कान बहुत शार्प है, अगर वॉयलिन सेक्शन बैठा ना 50 आदमी तो उधर से बोलेंगे एक काम करो फिफ्थ रो में लेफ्ट साइड से 5वां 6ठा आदमी बजाओ वायलिन, वो उनको बोइंग से पता चले रॉन्ग बजा रहा है, क्या बात है, ये पैरेलल शर्मा बाबा, ऐसा नहीं है, और उनके अंदर काम करके मैं यहाँ आज वो नहीं मेरे को, मैं यहाँ तक पहुँचता भी नहीं था, he is a legend, but you are a legend in your own right. बस because of parallel, because of parallel sir. अच्छा वो आप सोप्रानिनो इंस्ट्रूमेंट से कैसे मिले, बिकॉज शायद इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में यू आर द ओनली प्लेयर, ओनली सक्सेसफुल प्लेयर दैट हैज हैंडल्ड सोप्रानिनो एज एन इंस्ट्रूमेंट। एक तो बहुत हाई पिच बजता है वो इंस्ट्रूमेंट, एंड वी हैव नेवर सीन एनीबडी एल्स प्ले द इंस्ट्रूमेंट, तो वो सोप्रानिनो इंस्ट्रूमेंट से आपकी इंट्रोडक्शन कैसे हुई, हाउ डिड यू फाइंड दैट इंस्ट्रूमेंट? एक्चुअली क्या है कि जायज यात्रा प्रोग्राम होता है 1980 में रंगभवन में होता था एवरी ईयर जैज यात्रा 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 ओके, उसमें सब टॉप मोस्ट प्लेयर आते थे फॉरेन के, स्टैन गेज, बेन गुडमैन, ये सब टॉप मोस्ट प्लेयर है उधर बजाने आते थे, तो हम वो काम छोड़ के देखने जाते थे, उनको पर्सनली सुनने को मिलता था। तो आपने वेस्टर्न म्यूजिक कब सीखा? वेस्टर्न ऐसा ही सीखा ना, नोटेशन वगैरह सुन के, नोटेशन ट्यूटर पढ़ के, ट्यूटर से बहुत प्रैक्टिस किया मैंने, तो वो सुनते थे लाइव, उनके रिकॉर्ड सुन के, तो उनके सुनता था। तो एक उस प्रोग्राम में एक जापनीज आदमी आया था, वो ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था सोप्रानिनो, तो मेरा दोस्त था दिलीप नाइक करके, वो गिटार टॉप मोस्ट गिटारिस्ट, आजा आजा वगैरह सब गाने उसने बजाए, तो वो मेरा खास दोस्त, बोले दिलीप यार वो कौन सा, चलना जाके पूछते, तो बैक स्टेज जाके उसको पूछ लिया रंगों ने, बोलते वॉट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज दिस, इज सोप्रानिनो सैक्स, इट्स इन द फैमिली ऑफ सैक्सोफोन्स, ऑफ कोर्स लास्ट नंबर ऑफ फैमिली, लास्ट मेंबर ऑफ, पहला लो में एकदम बेस
सैक्सोफोन ओके बैरिटोन सैक्सोफोन बैरिटोन टेनर सैक्सोफोन टेनर अल्टो सैक्सोफोन सोप्रानो सैक्सोफोन उसके बाद सोप्रानीनो सोप्रानीनो इज अ अल्टो सैक्सोफोन से वन एग्जैक्ट वन ऑक्टेव हाई टेनर सैक्सोफोन से वन ऑक्टेव हाई सोप्रानो ऐसे उसके इसकी फैमिली पूरी वन ऑक्टेव हायर हाँ वो एक बात वो इस वजह तो वन ऑक्टेव हाई बजेगा तो मैं देखा बोले वेयर कैन आई गेट बोले वेरी डिफिकल्ट टू गेट बोले व्हाई नोबडी इज प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट बट व्हाई इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्लो मेरे समझा ना क्या बोले व्हाई माउथ पीस इज वेरी सो स्मॉल यू हैव टू पीस ऑल द टाइम बोले फेंक रहा होगा कुछ तो मैं हम लोग 82 में हमारी टूर थी अमेरिका में लक्ष्मीकांत पैरेलल के साथ काफ़ी म्यूजिशियन थे 65 म्यूजिशियन 15 सिंगर ऐसा बड़ा ग्रुप था पूरा तो मैं सुबह हम लोग 20th Street पे रुके थे होटल में मेरे को रहा नहीं गया यार ढूंढना पड़ेगा सोप्रानो आया नहीं आपके तो मालूम पड़ेगा ना मैं और मेरा दोस्त कैस्ट्रो गिटारिस्ट ट्रम्बोन प्लेयर तो हम लोग दोनों फैक्ट आए 28th Street से 52th Street चल के हाँ और चार एवेन्यू कि तुमको तो मालूम है कितना लंबा है वो बहुत चार एवेन्यू एक म्यूजिक शॉप छोड़ा नहीं म्यूजिक शॉप में गए तो बोलता है आई यू का सोप्रानिनो सैक्स सोप्रानिनो आई डोंट नो सोप्रानिनो उनको इंस्ट्रूमेंट का नाम ही नहीं मालूम फिर मेरे को हेनरी सेलमार चाहिए था मार्च हेनरी सेलमार टॉप मोस्ट कंपनी है तो नहीं है फिर किधर गया था आई गॉट चाइनीज यू वांट टू नो आई डोंट नो चाइनीज दूसरी जगह गया ऐसा सब जगह एक जगह मेरे को बोला यू पे योर मनी एंड कम आफ्टर 6 months एंड कलेक्ट योर डिलीवरी 6 months हाँ वो ऑर्डर देगा कंपनी में फिर 6 महीने के बाद आएगा फिर नहीं ऐसा कलेक्ट करो दैट इज नॉट पॉसिबल ऐसा चल के फिर ऑफिस हमारा 42th Street मेन अड्डा था इधर मेन मैनीज वगैरह बड़े बड़े शॉप उधर थे अच्छा। तो हम लोग उधर भी से आगे गए थे फिर आए उधर तो मेरा दोस्त बोलता है यार वो इसके सामने वो शॉप है उसके हम लोग नहीं देखा मैं बोला साला वो इटालियन है मेरे को अच्छा नहीं लगता था वो मेरे को जानता था कि गौरी अच्छा। हफ्ते गौरी गया तो हम लोग हर शॉप में घूमते रहते ना क्या आया क्या नहीं ये कौन सा एक्ट्यूटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा ये सब ये हमारा काम ही था बोले चलना इसमें देखा इसको भी क्यों छोड़ेंगे चलना जाके देखते तो मैं गया उसके शॉप में तो मेरे को जानता था हाय सुरेश काम तो बोला कि अरे हैव यू गॉट सोप्रानिनो सैक्स हेनरी सेलमार सोप्रानिनो सैक्स हेनरी सेलमार या आई गॉट क्या बात है गुड मतलब चेहरा एकदम फुल्ला एकदम क्या कूल तो बोलते कि आई वॉन्ट टू ट्राई दिस यू वॉन्ट टू ट्राई कम टुमारो मॉर्निंग बिकॉज क्वार्टर टू 5 नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज तो 5:45 बंद करना शुरू कर दिया इफ यू वॉन्ट टू बाय जस्ट नाउ ओनली उसने एक नया बजाने को भी नहीं दिया एक डॉलर कम नहीं किया जो बोला वो पैसा दिया मेरे को मिल नहीं रहा था वो होटल में रा के लेके आया सब लोग बोलते क्या लाया देखो सुना तो थे सब लोग अमर उमर सब लोग तो मैं इंस्ट्रूमेंट निकाला बजाना शुरू किया आउट ऑफ टेन बजने लगा मैं बोला एकदम पानी हो गया ऐसा कैसा हो गया यार आउट ऑफ टेन मैं बोला यार हेनरी सेलमार Mark 6 आउट ऑफ 10 इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता वो कंपनी का स्पेशलिटी है उनका इंस्ट्रूमेंट मीटर चेक किया जाता है पूरा और उसमें अंदर अगर कोई गलती हो तो इंस्ट्रूमेंट बाहर नहीं निकालते थे पूरा वो फेंक दिया जाता था तो फिर मैंने वो गया तो मैंने कि उसने बोला था वेरी डिफिकल्ट टू ब्लो तो मैंने उसका ब्रोशियर पढ़ा और ब्रोशियर में मेरे को याद है 22nd पेज में 2nd पैरा में लिखा था वेन यू आर प्लेइंग ऑक्टेव नोट वेन यू आर प्लेइंग ऑक्टेव नोट यू हैव टू पिच एंड प्ले यू हैव टू पिच एंड प्ले ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट में यू हैव टू पिच करूंगा आजाला पाइए पिच करके बजाना चाहिए तो बोला इंस्ट्रूमेंट बोला वो करे तो डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं है तुमको इसका स्टाइल ही डिफरेंट है तो फिर मैंने काफ़ी उसके ऊपर प्रैक्टिस किया और इसको ऐसा तरह से यूज़ किया हम लोगों ने पहले मैंने इसके ऊपर मैंने नादस्वरम जैसा भी बजाया है
इसको शहनाई के साथ बजाया हुआ है, फिर सारंगी के साथ बजाया है, फिर कीबोर्ड के साथ नगीना का टूर है ना बीन, उसके साथ ये इंस्ट्रूमेंट बजा हुआ है, ब्रास इंस्ट्रूमेंट के साथ बजा हुआ है, सोलो तो काफी बजाए हुए हैं। क्या बात है। तो ये अभी लेट्स हियर दिस इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम यू प्यारे जी का। हम अभी कोई गाना ले सकते हैं खुदा गवाह पिक्चर का, वो आपने जो बजाया है प्लीज प्लीज, उसमें काफी ऑर्केस्ट्रेशन भी है और आपका बहुत ज्यादा प्लेइंग है, वी विल टेक दैट सॉन्ग। यस प्लीज। और कौन कौन से हिट्स बजाए? नहीं काफ़ी ऐसे है बोलने जैसे, लेकिन एक एक दो गाने मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक गाना था एक दो तीन माधुरी दीक्षित, एक दो तीन इज अ कल्ट क्लासिक। हाँ तो उसमें माधुरी जी सैक्सोफोन बजा रही है। हाँ अभी उसका We all know that, yeah. उसका किस्सा ऐसा है कि ये उसके अंदर पीस था ही नहीं। ओह ओरिजिनल का खाली रिदम था डम पम 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 टम 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 ये चल रहा था। अच्छा अच्छा। तो वो एन चंद्रा मुझे उसको रिदम ही चाहिए था। अभी मैं रात को ब्रास के साथ हमारा डबिंग चल रहा था, तो ब्रास के साथ मैं बजा रहा था सोप्रानी में, तो प्यारे भाई आए बोलता सुरेश जी रिदम ये बहुत ख़राब लगता है, उसको समझता नहीं है, इतना रिदम जा रहा है, 16 बार रिदम कोई होता है क्या?
आप ऐसा कीजिए, आठ बार रिदम जाने के बाद आप ऐसा सोचिए कोई एक सैक्सोफोन लेके लड़की खड़ी है और अपने मुँह में कुछ भी बजा रहे हैं, ऐसा कुछ भी बजा रहे हैं जो भी, खाली आपको ए फ्लैट माइनर में स्टार्ट कर रहे गाना ए फ्लैट माइनर में और छोड़ देना आपको ए फ्लैट मेजर में, तो ब्रास सेक्शन डन डन डा 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 डा, ये ब्रास सेक्शन आता, बोलो क्या बजा, वो मेरे को नहीं मालूम। अभी उसने नोट बीट बताया मेरे को, अभी उसको तुम जमा लो अरे टेक, वो अजून पढ़ने गए रेंज चुरा में डायरेक्ट टेक, टेक नहीं माइक में खड़ा हो गया, आपने सोच रहा टा डा 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 उसने बजाया सैक्सोफोन, वन ऑफ द हाई इंस्ट्रूमेंट है ये, लेकिन वो रेंज जो था ना वो ये रेंज से मैंने शुरू किया कि इतना ऊपर लगता नहीं था, मैं मेजर भी गया ना ए मेजर तो मैंने ऊपर सी नोट तक बज गया, मैं उसके ऊपर नहीं गया, तो उन्होंने नोट भी ऐसा चूज किया कि बहुत अच्छा लगेगा उसका। फिर दूसरा किस्सा था उसका, वो गाना आपने सुना होगा, इमली का भूटा पीर दारा दा, एकदम टिपिकल फोक जैसा इंस्ट्रूमेंट लगता है, तो उसका टोन भी ये इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा टोन निकाला, तो मैं क्या उसका रीड चेंज करता था, उसका ब्लोइंग स्टाइल चेंज करता था, तो साउंड चेंज होता था। मैं बोला ना मेरे, मैंने इसको प्रैक्टिस जो किया ना लॉन्ग नोट का, वो इसमें मेरे को ज़्यादा काम में आया, पिच करके बजाने का। क्या बात है। फिर एक गाना, एक मैं आपको किस्सा बताऊंगा, जैसा दयावन पिक्चर आई थी उसे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था उस टाइम पे, फिरोज खान का पिक्चर, तो उसमें एक सीन था विनोद खन्ना Yes. उसका शादी का प्रोसीजन निकलता है, उस टाइम साउथ इंडियन लोगों में नादस्वरम ताउल, नादस्वरम ताउल दे, तो बैकग्राउंड म्यूजिक में पैरवे के साथ में खड़ा रहता है ना टाइमिंग लेने के लिए, तो हर सीन का टाइमिंग 120 लिखता, क्या चालू होता है तो मैं क्या सीन लिखता था 245 मतलब इधर तक ये सीन आया, ये ऐसा पूरा मैं टाइमिंग लेता था। अभी ये देखा उन्होंने, लास्ट पीस था वो, तो देखा तो रख दिया टेबल रे टॉप वॉच, आप करो, बोलो मैं क्या करूं, वो नादस्वरम बजा रहा है, आपने बस नादस्वरम है ही नहीं, शनाई पे अच्छा लगेगा नहीं, अब तो उसको मालूम मैं ही करने वाला हूँ, करो कुछ, और जाके बैठ गया यार। क्या कह रहा है, टोटल कॉन्फिडेंस इन यू, वो सीना सीन सुना 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 मैंने, साउंड सुना, उसका स्टाइल सुना मैंने, फिर मैंने एक सुप्रानिनो को सॉफ्ट रीड लगाया, उसका थीन टोन कर दिया मैंने, और वो स्टाइल से मैंने एक 16 बार का पीस बनाया। क्या बात है, वो नादस्वरम जैसा। अभी उसके वो ताउल बज रहा है, ताउल कहाँ से लाएंगे, तो रिदमिस को बोला एक काम करना चंडा निकाल, चंडा के स्टिक तत्रा 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 ऐसे स्टिक भेजा और इसका डबल बेस ढुम डुम 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 जैसा वो रिदम सुन लेना, वो लोगों ने कब कर लिया और मैं बजाना शुरू कर दिया, वायलिन वाले नीचे घूम रहे थे सो ऊपर आ जाए नादस्वरम कौन बजा रहा है, क्या बात है। वो सब पीस हो गया, ओके हो गया, फिरोज खान बोलते क्या बात है प्यारे जी, मेरी तारीफ मत करना, प्यारे जी बोलते मेरी तारीफ मत करना, वो सुरेश जी बजा रहे ना उनकी जाके तारीफ करना, उन्होंने किया हुआ है। और उस टाइम पे लास्ट पीस रहता तो फिरोज खान की पार्टी रहती थी ऑलवेज सब म्यूजिशियन को, और उस टाइम मेरी नई नई शादी हो गई थी तो उसको लेने जाने का था रात को, तो मैं इधर घूम रहा था, मेरे को पकड़ा, चलो आप किधर जा रहे, बोले नहीं मेरे को आप जा ही नहीं सकते, आपके वजह से पार्टी शुरू हो गई आज, क्या बात है, आप जाने बिठाए मेरे को, प्यारी भाई मैं फिरोज का इतना वो लोग इज्जत करते थे एक्चुअली, काफी किस्से है उसके। और अभी अभी आपने हम दिल दे चुके सनम में भी बजाया है यही इंस्ट्रूमेंट, आई मीन आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 30 years अभी भी आपने बजाया, वो कौन सा गाना है, ये क्या था, चांद चांद छुपा, द फिल्मफेयर अवार्ड विनर सॉन्ग, और उसका भी वो स्टाइल जो था ना उसको डिफरेंट स्टाइल का स्टाइल सजाया था सोप्रानियो, वो डिफरेंट स्टाइल से मैंने बजाया हुआ है वो,
व्हाट वाज द डिफरेंस इन द वर्किंग स्टाइल्स ऑफ दीज. एक्चुअली क्या है, तुमको जो म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक जो म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक कंपोज करके भी दिया, तो इंस्ट्रूमेंट क्या आपके ऊपर कैसा प्रेजेंट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो कुछ भी म्यूजिक कम्पो, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट पे कैसा जाएगा, उसका फीलिंग कैसा आएगा, उसके ग्रेस नोट कैसे आएंगे, उसका साउंड कैसा चेंज होगा, ये बजाने वाले पे रहते हैं. वो तो नोट कंपोज करके देते, फिर उसको कैसा लाने का, तब उसका टोन मिलता है उसको. तो वही वो भी टेरिफिक पिस्ता उसका. तो वो आप एक बार सुना सकते हैं वो गाना, चांद छुपा वाला. क्या बात है आज. लेकिन कोई दूसरा मेल सिंगर नहीं है, तो इज इट ओके इफ आई सिंग द सॉन्ग? अरे आप देखिए, आप सबको मैं बोलता हूँ, आज आपके सामने आने का मेरे को जो मौका दिया है गौरी कवि ने, शी इज फैंटास्टिक सिंगर. मैं उसकी मुंह पे कभी किसकी तारीफ नहीं करता हूँ, है वो मैं बोलता हूँ. और वो कभी भी डाउन टू अर्थ अर्थ आई हुई है, नीचे से ऊपर. और उसको अभी भी लगता है मेरे को कुछ सीखना चाहिए, कि मेरे शो में आते हैं तो उसको बोला कुछ ना कुछ नया आना चाहिए, वो अभी भी उसमें है. आपको काका, यू सेइंग दीस वर्ड्स, यू हैव मेड माय लाइफ. सच्ची बोलता हूँ मैं, सच्ची. और गॉड ब्लेस, और अच्छी प्रगति हो जाए. कुछ मेरे से हेल्प हो तो मैं देर जरूर लेना प्लीज. अभी आप गाना सुन लीजिए. गाना गाएंगे. सुरेश काका, अपने गानों में जितना इंडियन स्टाइल म्यूज़िक यूज़ हुआ है, तो प्यारे जी ने काफ़ी वेस्टर्न स्टाइल का म्यूज़िक भी इंडियन गानों में यूज़ किया है. और वो सक्सेस, गानों का हिट होने में आपका सक्सेस काफ़ी है. तो ऐसे कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं कि आपने बजाए हैं? नहीं, मेरा सक्सेस नहीं, सब उनके वजह से होता था, हमारे से निकाल लेते थे. जैसे एक गाना था, ये लड़की कहाँ से आई, चालवा ना जाने कहाँ से आए. अब इसका किस्सा ऐसा है कि ये इसका इंट्रोडक्शन म्यूजिक है ना, वो डिफरेंट बना था पहले, वह आने के उसको डिफरेंट कंपोज किया था. ये था ही नहीं म्यूजिक. अच्छा.
लेकिन वो पंकज परा सर डायरेक्टर आए, वो प्यारे भाई को रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया तो मानते हो प्यारी जी एक मेरी ये बोलो क्या क्या नहीं, मैंने सोचा ऐसा इंट्रोडक्शन म्यूजिक ऐसा कि ऐसा ऐसा करने का क्या सोचा क्या सोचा, बोले एक ऐसी बारिश हो रही है आस्ते आस्ते, एक वैन जा रही है, वो वैन रुकती है, फिर एक डबल बेस वाला होता था डुम 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 डुम, फिर एक ड्रम्स वाला होता था चिक चिक, फिर एक गिटार वाला होता डंग डंग, फिर फ्लूट बजाना शुरू होता था बारिश में, वो सब देख रही हो हीरोइन ऐसा सब देख रहे ऐसा ऐसा, फ्लूट बजाता है फिर गाना स्टार्ट होता है, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल विजन, बहुत अच्छा है। अब ये इंट्रोडक्शन मुझे कट हो गया, सूरज जी फ्लूट लेके आई है, अभी मेरा मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया मेरी ऑडिशन शुरू होगी। देखिए ऐसा सोचिए कि अभी हम लोग इसको क्या अलग मान लिया, एफ मेजर सेवन कॉर्ड, जी मेजर सेवन कॉर्ड, ए माइनर सेवन सब एडिट कॉर्ड है सब, एफ मेजर एफ मेजर एफ सेवन कॉर्ड म्हणजे सा ग प आणि वरचा रे, ये ऐसा कुछ कॉर्ड है, साउंड एक ऐसा एक डिफरेंट टाइप का साउंड, ये हम लोग ऐसा करते इसके ऊपर कुछ मतलब उसमें कैसा जैसा ता टी रे टी ता ता टी ता टी ता ऐसा कुछ बना एब्स्ट्रैक्ट, हाँ वो लेकिन ये कॉर्ड में जाना चाहिए, मतलब कैसा आप करो, अभी मेरे को नहीं मालूम, अभी वो मेरे को बोला 12:30 बजे दोपहर का खाना भी नहीं खाया, अभी मैं बोलो क्या बना हुआ इसके ऊपर, उनको उनको हरिप्रसाद चौधरी ने भी एक अच्छा फ्लूट बजाया ना, लेकिन अच्छा नहीं लगा तो अंदर से बोलेंगे हरजी थोड़ा और को जमाइए, मतलब उनको मालूम है हरजी इससे अच्छा बजा सकते हैं, सकते। ये है उनका स्पेशलिटी जोहरी। तो शाम को 6 बज गया, मैं कुछ बना, अभी रिदम और ये बैलेंस रिकॉर्ड हो रहा है, हारमोनी रिकॉर्ड हो रही है पूरी, तो मैं बोला पहले भाई सुने जाए, मेरे को नहीं सुनेगा अभी इसके, नहीं नहीं आपने किया है ना, मेरे को नहीं सुनना, क्या कॉन्फिडेंस देखो, वाह ग्रेट। अभी ये सब हो गया, रात को 10 बजे मेरा नंबर आया, रिदम विदम बैलेंस तो माइक पे बैठा तो सुनाइए, तो मैंने बजाना शुरू कर दिया, टी रि टी टडा टी 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 टरा टटी रडता टडा जस टरा टटा र पप्पा, ये लड़की कहाँ ऐसा ना जाने कहाँ से कैसे। अभी मैं वो पीस बजाया तो प्रोड्यूसर इतना क्या बात है प्यारी जी क्या मजा है, मेरी तारीफ मत करना, वो जो बजा रहे हैं सुरेश जी उनकी जाके तारीफ करो, उन्हें किया और वो खुद बजा रहे, ये प्यारे भाई का स्पेशलिटी था, उसका क्रेडिट ऐसा कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है सबके साथ में, और ये उनके वजह से होता था, हमको उसका थोड़ा सा ये देते थे बैकग्राउंड तो हम लोग उसको डेवलप करते थे और फ्रीडम भी देते थे थोड़ा सा, बहुत बहुत अच्छा पीस था वो टेलीफिल्म पिक्चर में भी। इंग्लिश फ्लूट का आप बजाएंगे आज? हाँ वो गाना लेंगे ना, गाना लेंगे, हाँ गाना आप गाएंगे, वो गाना डुएट गाना है, तो क्या हो गया मेल पार्ट भी आप गा लीजिए चलेगा, ले चलो 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 डेफिनेट, थैंक यू। ये भी ना हुआ मन तेरा इस दिल में आ।
सुरेश काका, आप बड़े बड़े शोज में जब बजाते हैं या कंडक्ट करते हैं, सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दोज शोज? वेन एवर यू आर जस्ट सपोज टू गो ऑन स्टेज, डू यू फील दैट काइंड ऑफ एंग्जाइटी और नर्वसनेस? बिकॉज एज अ सिंगर, जब मैं कोई बड़े शो में जाने वाली हूँ या कोई स्टेज पे जाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा अंदर रहता है कि चलो इतनी मेहनत की है तो सब अच्छा अच्छा होना चाहिए, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट इन माई कंट्रोल वेन आई गो ऑन स्टेज. सो हाउ डू यू प्रिपेयर वेन यू गो ऑन स्टेज? एक्चुअल जब मैं खुद का ऑर्केस्ट्रा खुद अरेंज करता हूँ, कंडक्ट करता हूँ, तो उसका स्कोर मैं खुद बनाता हूँ हर गाने का. हर गाने के पीछे जो हारमोनी बजता है, दैट इज बैक बोन ऑफ द हर सॉन्ग. वो जो सॉन्ग में कॉर्ड्स बजाएंगे तो उसका साउंड चेंज होता है पीछे का. ये बहुत कम लोगों को मालूम है. कुछ भी बजा तो वो नहीं चलता है. तो मैं उसका हारमोनी पूरा लिख लेता हूँ, ऑब्लिगेटो लिख लेता हूँ, कौन क्या बजाना चाहिए. बड़ा ऑर्केस्ट्रा हो तो वॉयलिंस हो तो उसको भी कर लेता हूँ, लेकिन छोटे में भी अरेंजमेंट करता हूँ मैं. तो ये मेरे को पहले से ऐसा दिमाग में है कि करना है, काम में जाना है तो ईमानदारी में काम करना है. ये मेरे को प्यारे भाई ने सिखाया हुआ है. कैसा मालूम है? मेरे को एक किस्सा बताया कि आप कभी भी किसके रिकॉर्डिंग में काम में जाते हो तो आपको वहाँ 5 रुपये मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, 500 मिल रहे हैं कि 5,000 मिल रहा है शो का. जो 5,000 जहाँ मिलता है वहाँ काम करें, वही 5 रुपये में काम करने का, काम में बेईमानी नहीं करने का. ये हमारे हमको सिखाया हुआ प्यारे भाई से. और इसके लिए मेरा ऑर्केस्ट्रेशन होता है ना, वो साउंड बहुत टेरिफिक आता है. साउंड बहुत बहुत रिच रिच साउंड लेता है स्टेज पे भी और घर जाता है ऑडियंस सुनते हैं तभी भी. एक मैंने किया था जैसा आवाज इंस्ट्रूमेंट लग गया जला डा, इसके अंदर वॉल्यूम इन कुछ नहीं है. कौन सा गाना था? आवाज दी मेरा इंस्ट्रूमेंटल शो था. मैं एक्सपेरिमेंट किया था, 16 क्वायर्स रखा था मैंने, वेस्टर्न क्वायर्स, एक वायलिन, एक चेलो, गिटार और रिदम. और आपका इंस्ट्रूमेंटल सोलो? सोलो जैसा आवाज दी तना तारा मेरी. सिंग द फर्स्ट लाइन. नहीं, इसका इसके पहले जो है ना दारा रारा, ये क्वायर्स का दे ये फर्स्ट लाइन जो है तो पूरा खाली फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा रही है. कैसा साउंड लगेगा जस्ट इमेजिन करो. अभी दारा रारा ये ना दारा रारा तारा रारा 1 2 3 तारा रारा रारा ऐसा अरेंजमेंट किया. तो ये अलग ही था, वो इतना पॉपुलर हो गया था उधर. क्या बात है. और आपने सिम्फनी के साथ भी बजाया है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस क्या कि मैं 72 में गया था किशोर दा के साथ, 72 में हाँ अमेरिका कनाडा टूर में. तब डेट्रॉइट का प्रोग्राम मेरे दोस्त नरेंद्र सेठ ने किया था. वो डेट्रॉइट का शो किशोर कुमार का उन्होंने किया, किशोर ने मुकेश जी का भी उसने किया. उस टाइम ही वॉज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फोर्ट वाटर कंपनी. इतना रिच आदमी था, तब से मेरा वो दोस्त है. तो क्या हो गया, 2008 में मेरा बड़ा लड़का तो 2000 में गया था, 2000 में से मेरा छोटा लड़का अमेरिका जाने वाला था, मैं भी उसके साथ जाने वाला था छोड़ने के लिए. तो मेरे को उसको पता चला मैं आया हूँ, कि मैं फ़ोन करते रहता ना, अरे सुरेश तो आया, क्या बात है यार, मेरा शो है तू बजाएगा? हाँ क्यों नहीं बजाऊँगा यार. क्या बात है. बोलो कभी है? सितंबर में. जुलाई में बोल रहा है तू, सितंबर 2 महीना रुकूंगा क्या इधर? रुकने को किसको टाइम है? तू अमेरिका जब बाहर कैसा जाता हूँ मैं देखता हूँ कैसा जाता है मेरे शो को. फिर मैं रुका उधर, अभी पूरा सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा उसने वहाँ पूरा डॉक्टर्स लोकान की एसोसिएशन बनाई थी. कम से कम मेरे को 30 डॉक्टर थे, 30 डॉक्टर्स. और वो एसोसिएशन के लिए उन्होंने शो किया था सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा 50 पीस ऑर्केस्ट्रा. क्या
क्या बात है। और उसका शो अनाउंस करने के बाद एक शो का टिकट था $100 $150 एंड $200, वो टिकट 15 दिन में हाउसफुल हो गया। क्यों सब पैसा चैरिटी में जाने वाला है। बोले तुरे को बजाना है, बोले मैं क्या अभी बजाऊंगा इसके अंदर यार, कुछ तो इंस्ट्रूमेंटल बजाना चाहिए, अभी इतने पूरा ऑर्केस्ट्रा तो मैं क्या करूं। तो बैठे बैठे मैंने सोचा कुछ अलग करना चाहिए मैं, तुमने ओम शांति ओम गाना बजाया, उसमें एक भी वायलिन नहीं है, उस गाने में एक भी वायलिन नहीं है, गिटार है, ब्रास है, ये है। तो बोले वायलिन वाले बैठे कैसे रहेंगे यार। तो मैंने 12 लाइन का स्कोर बनाया, वेस्टर्न स्कोर, वायलिन, वियोला, चिलो, ब्रास, ट्रम्पेट, ट्रम्बोन, कीबोर्ड, गिटार, और सबका पार्ट लिखे रखा था मेरे पास। 8 पेज का पार्ट हो गया पूरा। क्या बात है, मतलब गाने के पीछे कॉर्ड्स, बीट सब वायलिन बजा रहे ऐसा भर के पूरा। मेरा सोलो है उसमें भी वायलिन बज रहे। अभी वो दिया कंडक्टर थी मेरे को जी, नाइन वॉचमैन, बोले जी इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स एंड ओ थैंक यू, प्लीज प्लीज वेलकम, ही गिव मी सम स्कोर एंड ओके शो मी। तो उसने प्रैक्टिस करके आए वो लोग, अभी रिहर्सल चल रहा था, देखो कैसा होता है वो। तो मैं बाजू में बैठ के सुन रहा था पूरा। तो म्यूजिक शुरू हो गया तो मैंने जाके उसको रुका दिया। व्हाट हैपेंड इन फर्स्ट म्यूजिक बार नंबर 7 दैट फर्स्ट ट्रम्पेट शूट वे बी फ्लैट इज प्लेइंग बे नेचुरल। एवढ्या इतना इतने सब इसमें उसको पकड़ा मैंने, कॉर्ड्स मेरे को मालूम पड़ेगा रॉन्ग बज रहा है। ट्रम्पेट बोलता आई एम सॉरी सर मेक इट करेक्ट। तो बोले हाउ कैन यू मेक आउट दिस, बोले दिस इज माई स्कोर, आई नो प्ली गुड राइट एंड लेफ्ट। तब से वो नर्वस होगी, बोले इसको सब मालूम है यार, तब से मेरी ऐसी ये होगी है ना, मैं जब भी जाता हूँ हर शो में हर साल जाता हूँ, मेरे को बुलाते हो और जब मैं बजाता हूँ तो वो सर दिस इज ओके नहीं नो। और मेरे लिए उसने इंटरव्यू भी दिया था बहुत मेरे लिए बोल दी ऐसा। सुरेश काका आपको एक पूछना चाहती हूँ, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड प्लेइंग एंड बैड प्लेइंग? लेट मी एक्सप्लेन। सी मेनी म्यूजिशियंस प्ले अ सर्टन पीस, लेकिन एवरी म्यूजिशियन विल प्ले दैट पीस डिफरेंटली। दैट म्यूजिक पीस इज गोइंग टू बी टेक्निकली करेक्ट, लेकिन अगर उसमें सोल ही ना हो, एक्सप्रेशन ना हो, तो वो करेक्ट बज के भी इतना अपील नहीं होता। सो आप जो बजा रहे हैं वो ऐसा हो सकता है कि कीबोर्ड पे भी कई म्यूजिशियंस बजाएं, बट जो ह्यूमन एक्सप्रेशन जो आता है वो कीबोर्ड में नहीं आ पाता। तो आप अपने प्लेइंग में वो एक्सप्रेशन कैसे ऐड कर सकते हैं? मैं मेरे प्लेइंग का एक्सप्रेशन बाद में बताता हूँ, एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ मैं। 1974-73 में कॉर्क कंपनी का इंस्ट्रूमेंट का डेमोस्ट्रेशन देने आया था ये पृथ्वी थिएटर्स में। ओके। नया कॉर्क इंस्ट्रूमेंट था। सुनने की ऐसी बात है, उस टाइम पे सब फिल्म इंडिया, हमारी फिल्म इंडिया के कीबोर्ड प्लेयर सब लोग उसको देखने गए थे। उसने एक पीस कंपोज किया, सी दिस इज रिदम डन डन डन, सब गिटार ये बेस गिटार डन डन डन, अभी दिस इज वॉयलिन, फिर ब्रास सेक्शन, फिर डबल बेस, ये सब डाल दिया, सब कुछ ये इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ आता है वो बोला। बाद में एंड में वो क्या बोला मालूम है, सब कीबोर्ड प्लेयर हमारे इंडिया सीनियर बीनियर सब बैठे थे उधर, जो एकॉस्टिक का साउंड निकाल के काम कर रहे थे वो सब लोग बैठे थे। तो उसने बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट में सब टाइम का टोन आता है सब कुछ, लेकिन हमारी कंट्री में ये इंस्ट्रूमेंट जब डेमो बनाते तब ये यूज होता है, रियल रिकॉर्डिंग में हम लोग एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट ही यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं कि उसमें वो फील आएगा ही नहीं। मैं अगर सैक्सोफोन बजाऊँ उसमें सैक्सोफोन का टोन आता है, लेकिन सैक्सोफोन का फीलिंग उसमें कहाँ से आएगा?
वो मॉड्यूलेशन जो नहीं आ सकता है। अभी दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आप कैसा उसमें एक्सप्रेशन आप कैसे लाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन लाने के लिए आपको जो म्यूजिक कंपोज किया है उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसके बाद तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो वो ध्यान में रखना पड़ता है। तीसरी बात, सिचुएशन क्या होगा, कौन से सिचुएशन में गाना आने वाला है वो ध्यान में, मतलब आपकी क्रिएटिविटी उधर है, नोट्स खाली कंपोज करके वो होता नहीं है। फिर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट करके बजाएंगे ना, तब उसका जाल तैयार होता है, ऐसा सॉलिड, तब वो बसता है। ये बहुत कम लोग है इसे करने वाले। हमारे टाइम पे ये चलता था, हमारे टाइम पे तो लाइव रिकॉर्डिंग होता था, मतलब अभी तो क्या कट हो गया तो यहाँ से पंच करो ये करो वो नहीं, अगर मिस्टेक हो गया तो शुरू से गाना लेना पड़ता था, लता मंगेशकर अम्बे साहब सब गा रहे, अरे मिस्टेक हो गया यार इसका, यार वापिस एक टाइम दूसरा तीसरा इसको मत बोला टेक में, बहुत मिस्टेक करता है। ये था उस टाइम पे, उस टाइम पे अरेंजर का एक, अभी अरेंजर का एक वो सब्जेक्ट आया नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अरेंजमेंट कितना, अरेंजर कितना इम्पोर्टेंट होता है। मैं किस्सा बता रहा हूँ, सेबेस्टियन सर, सबसे बेस्ट अरेंजर, वो आदमी ने सबके साथ काम किया है, नेहर साहब के साथ काम किया है, फिर एस डी बर्मन के साथ काम किया हुआ है, शंकर जी का काम किया गया, मदन मोहन के साथ काम किया है, ऐसे काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, लेकिन आप उनका गाना सुने के, म्यूजिक सुने के तो फटाक से लगता है ये नैयर साहब का गाना है, ये शंकर जी का गाना है। गाना गाने का म्यूजिक सुन के पड़ता है, ऐसा क्यों क्यों होता था, किसको मालूम नहीं है क्यों होता था। इसका रीज़न है म्यूजिक डायरेक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होते थे म्यूजिक बनाने में, तो उसकी छाप उसके ऊपर रहते थे, फिर सेबेस्टियन साहब उसको ऐसा उसके हिसाब से सजा देते, ये इनकी स्पेशलिटी थी। आजकल इधर के दे मेरा मेरे नया नया जब था तो मेरे को सभी एस डी बर्मन का शंकर जी का टेक का मैसेज आया, तो मैं स्टेज पे इतना बयाता था दर दिन, इधर जाओ उधर जाओ जाओ, तो मैं टेक तो लिया था मैंने, शंकर जी का टेक बोला ना तो 9 बजे शुरू हो गया उधर, तो 11:30 बजे पैकअप, अभी मेरा टेक लिया था मैं फेमस में, तब मैं लोअर बेल में रहता था, तो हमारी ट्रेन लेट हो गई, जो 7 बजे आने वाली थी वो 10 बजे आई, 9:30 बजे आए, घर पहुँचते पहुँचते मेरे को 10 बज गया। तो उस टाइम मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने उधर लैंडलाइन पे फ़ोन किया फेमस स्टार देव में, तो मैसेज और किधर है तुम यार, शंकर जी पूछ रहे हैं, बोलो मैं अभी आया हूँ, मैं अभी आएगा तो चलेगा क्या पूछो, तो उधर खड़ा हो गया शंकर जी, वो लड़का कहाँ आया नहीं सैक्सोफोन बजाने वाला, बोलो ट्रेन लेट हो गया अभी आया, बोलता है कि मैं आऊँ कि नहीं, बुलाओ बुलाओ उसको बुलाओ, अभी गया मैं साला स्टूडियो में जाके मेरे ऊपर पसीना छूट गया, गचा गच भरा हुआ स्टूडियो, उधर शंकर जी गाली गलौज कर रहे, उधर दत्ताराम जी गाली गलौज कर रहे भी गया उधर, तर एक मतलब अरेंजर की मैं बात बता रहा हूँ, नमस्ते क्या हाँ आ जाए सबिस्तान पीस बता दें सैक्सोफोन का, तो पीस बताया तो बाहर क्या है फड़क से बजा लिया, मेरे को क्या बोलते मालूम है, ऑक्टेव चेंज हुए ना उसमें, उसको सीधा कर देना यार, सीधा कैसा लगेगा ऐसा करो, वो तू ये मैं लिखा है ऐसा लेकिन तुम सीधा करो, तुम नहीं बजा सकते तो बैंड वाला कैसा बजाएगा पीस। ओ, ये अरेंजर की बात, अरेंजर की बात। फिर रिहर्सल एक गाना गाना शुरू हो गया, मेरा पार्ट है मैंने बजाया, वन शॉट में बजाया, शंकर जी बोल देखो ये लड़का अभी आया एक शॉट में बजा, तुम साला सुओं से घुस रहे वाली इंतजार, ये था ऐसा काम होता था यार, ये बहुत कम लोगों का मालूम है ये सब बात। क्या बात है सुरेश काका, इट्स बीन एन अमेजिंग टाइम विद यू एंड एन अमेजिंग जर्नी ऑफ अ ग्रेट लाइफ टाइम, ऑफ अ ग्रेट लाइफ टाइम स्पेंट विद म्यूजिक, एंड थैंक यू तो मैं बोलूंगी नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक फैमिली टू मी, आपके ऋण में मैं रहना चाहूंगी, एंड प्लीज कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन मी एज ऑलवेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आज आप यहाँ पे आए हमारे साथ ऑन कैमरा बातचीत करने के लिए, इसलिए थैंक यू वेरी मच।